नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरदे और टैक्स एसडी में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। कि जैसे कि हम सबको मालूम है कि इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो उसी वीडियोस की सीरीज के साथ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कि जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर ITR फाइलिंग, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें हैंडी हो सकते हैं और जो लगने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम पे। वही वीडियो सीरीज को आगे लग के चलते हुए आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं आपके पास में इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम। ये सीरीज में अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे कुछ वीडियोस, यानी स्पेसिफिक कुछ आपकी रिक्वेस्ट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। जैसे भी हम आगे ये जो सीरीज चलेगा और रिटर्न फाइलिंग के सीजन तक चलेगा, कि जो नए नए डिस्क्लोजर्स वगैरह आते हैं या फिर नए नए चेंजेस वगैरह आते हैं, कैसे ITR के फॉर्म भरना है वगैरह वगैरह, तो अगर आपको ऐसी कुछ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि वो वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में शुरू करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स होती है दोस्तों ITR फाइलिंग के टाइम पे। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो होती है कि सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग ITR फॉर्म। जैसे कि हम सबको मालूम है कि ITR 7 प्रकार के हैं, ITR 1 से लेके ITR 7 तक। बट अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल के लिए 4 ही ITR फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि हमें ITR फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल है। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में बात ही करने वाले कि कौन सा ITR फॉर्म किस टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होता है। बट ये मिस्टेक हमने देखी है कि जो करेक्ट ITR फॉर्म, यानी रॉन्ग ITR फॉर्म चूज करने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, टैक्स पेनल्टी आपके एक्स्ट्रा टैक्स यानी पेनल्टी आपके तरफ से वसूल भी कर सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने जान लेना है कि हमें कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होता है और उसी हिसाब से अपना आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है। उसी के साथ में नेक्स्ट मिस्टेक है कि वेरिफिकेशन ऑफ ITR फॉर्म। इनकम टैक्स का रिटर्न जब भरते हो तो इनकम टैक्स रिटर्न बस सबमिट होने के बाद में आपको उसका वेरिफिकेशन भी करना मैंडेटरी है दोस्तों। तो लगभग न्यू रूल के हिसाब से 30 दिन का समय है आपके पास में, 30 डेज, यानी अगर आपने आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो 30 दिन का टाइम है आपके पास में उसको वेरिफिकेशन करने के लिए। ये वेरिफिकेशन 4 प्रकार से हो सकता है, जैसे कि आप आपके बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग की तरफ से कर सकते हो, आप आधार OTP की तरफ से कर सकते हो, आप आपके डीमैट अकाउंट से कर सकते हो, और आप EVC से भी, यानी मैसेज वगैरह जो आता है उससे भी कर सकते हो, या फिर डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हो दोस्तों। तो उसके लिए अगर जब तक आप आपका ये ITR का वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो ये इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस जो है, ये यानी प्रोसेसिंग है, वो कंप्लीट नहीं होगा, यानी वो प्रोसेस चालू ही नहीं होगा। यानी इनकम टैक्स तरफ जो वेरिफिकेशन जब तक आप करोगे नहीं, वो इनकम टैक्स प्रोसेसिंग के लिए आपका ITR जाएगा नहीं दोस्तों। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिव्यू ऑफ ऑल बैंक स्टेटमेंट्स। यानी बहुत सारे इंस्टेंसेस में हमने देखा हुआ है कि आजकल के जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, आप देखते हो बस आपका 26 CAS, उसके बाद में ASTS, या फिर बस फॉर्म 16। बट ऐसे बहुत सारे इनकम हो सकते हैं कि जो आपके बैंक स्टेटमेंट्स में आ रहे हो बट वो एक्चुअल ITR फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि लेट्स से कि कुछ डिटेल्स है वो आपके ASTS में नहीं आएंगे, या फिर आपके बैंक 26 CAS में नहीं आएंगे, या फिर प्रीफिल जो ITR भर के आते हैं 26 CAS ASTS के डिटेल्स, उसमें भी नहीं आने की हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि सोरेन गोल्ड बॉन्ड का इंटरेस्ट, वो आपके ASTS में हमने अभी तक देखा नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं देखोगे तो वो इंटरेस्ट मिस आउट होने के चांसेस हो सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल। तो ये मिस्टेक हमने अवॉइड करनी है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो उसके साथ में आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो रिव्यू करना मत भूलिए दोस्तों। उसके बाद में अगला है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ ऑल बैंक अकाउंट नंबर्स या फिर बैंक डिटेल्स। क्या होता है कि हमने देखा है कि जो भी हमारा जो मेन बैंक अकाउंट होता है, यानी आपके जहाँ जिसमें आप सैलरी आती है आपकी, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो अकाउंट से होते हैं, तो ऐसे ही अकाउंट्स का डिस्क्लोजर इनकम टैक्स रिटर्न में जाता है दोस्तों। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इनकम टैक्स रूल के हिसाब से आपके जो भी बैंक अकाउंट्स है आपके पास में, वो सब के सब डिस्क्लोजर्स इनकम टैक्स रिटर्न में आपको देनी है, भले उसमें कोई इनकम हो ना हो, बहुत सारे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो ना, बट उसके लिए बट ये अपने अवॉइड करना है दोस्तों। अगला है कि डिस्क्लोजर ऑफ नॉन टैक्सेबल इनकम, यानी जो एग्जम्प्ट इनकम होता है उसका डिस्क्लोजर देना आप भूल जाते हो। रूल के हिसाब से ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपको एग्जम्प्ट इनकम है तो आपने वो डिस्क्लोज नहीं करना है। इनकम टैक्स रिटर्न्स में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं कि जिसके अंडर आप एग्जम्प्ट इनकम वहाँ पे बता सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका PPF का इंटरेस्ट है,
या फिर कोई टैक्स फ्री बॉन्ड्स वगैरह का इंटरेस्ट है, या फिर कोई पॉलिसी वगैरह की मैच्योरिटी आ सकती है आपको जो कि नॉन टैक्सेबल है, तो जो ऐसे एग्जम्प्ट इनकम होते हैं ये भी इसके डिस्क्लोजर आप इनकम टैक्स रिटर्न में देना मैंडेटरी है, जो कि भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, तो उस हिसाब से उसका आपने ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और आज के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 26AS, AIS, TIS का रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन यानी आपको रिव्यू करना ही करना है। बहुत सारे डिटेल्स हैं कि हमारे तरफ से मिस आउट हो सकते हैं, बट वो 26AS में, AIS, TIS में आ सकते हैं। ये 26AS, AIS, TIS क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियोस में जानेंगे ही, बट ये फॉर्म्स जिनको पता नहीं है मैं उनको बता देता हूँ कि ऐसे ये फॉर्म्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लास्ट के 2-3 सालों से लाए हुए हैं, जिसमें आप का पूरे इनकम के डिटेल्स आते हैं। कौन सा भी आपका इनकम हो यानी ट्रांजैक्शन के डिटेल्स आते हैं, आपके पास में सैलरी है, एफडीज के इनकम है, डिविडेंड है, प्रॉपर्टी की सेल परचेस ट्रांजैक्शन से, म्यूचुअल फंड परचेस सेल के ट्रांजैक्शन से, शेयर्स म्यूचुअल फंड के कुछ ट्रांजैक्शन से, तो ये सब डिटेल्स वो 26AS में आता है। और 26AS में उसके ऊपर अगर कुछ TDS वगैरह हुआ है तो वो भी उसमें आता है। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले विदाउट वेरीफाइंग 26AS AIS, TIS नहीं करना है दोस्तों, इसको कंपलसरी पहले रिव्यू करना ही दोस्तों। बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के ये आपको और प्रॉब्लम उसमें हो सकती है, यानी रिप्लाई करो, कुछ रिवाइज रिटर्न फाइल करो, रेक्टिफिकेशन फाइल करो, ये सब चीज़ें हो सकती है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि हमने बहुत सारे लोगों के पास में से ये देखा हुआ है कि मिसिंग आउट ऑन कैपिटल गेन डिटेल्स शेयर्स म्यूचुअल फंड या फिर प्रॉपर्टी वगैरह के। क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ ट्रांजेक्शन्स ही हुए नहीं है या फिर बहुत कम ट्रांजेक्शन्स हुए हैं या फिर मुझे वो शेयर्स म्यूचुअल फंड वगैरह में इसमें लॉसेस है, तो डिस्क्लोज ही नहीं करते यानी वो बताते ही नहीं है। तो जैसे कि हम सबको मालूम है कि AIS, TIS वगैरह में सब ये डिटेल्स आते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में इसकी जानकारी ऑलरेडी है, तो अगर आपने ये इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम अगर ये इसके डिस्क्लोजर्स अगर नहीं दिए तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में नोटिस आ ही सकती है दोस्तों। और अगर आपको लॉस है तो आपने तो पहले डिस्क्लोज करना चाहिए शेयर्स म्यूचुअल फंड की वजह से, क्योंकि हम सबको मालूम है अगर लॉसेस है तो उसका जो लॉस के सेट ऑफ है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हम कर सकते हैं और अगले सालों में उसका टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने में उसकी हेल्प हो सकती है दोस्तों। तो ये एक हमने कॉमनली मिस्टेक देखा हुआ है कि लोग ये डिस्क्लोजर नहीं करते दोस्तों, तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकरेक्ट डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन क्लेम्ड। ऐसे जो एग्जम्पशन या फिर डिडक्शंस हम लेते हैं सैलरी के अगेंस्ट में या फिर बाकी टोटल इनकम के अगेंस्ट में, तो वो लेते टाइम उसमें गलती करना, फॉर एग्जाम्पल कि रूल के हिसाब से अगर आपको HRA मिलता है और ATGG यानी रेंट का डिडक्शंस, ये दोनों के डिडक्शंस आप लेते हो तो ऐसा अलाउड नहीं है। अगर आप खाली HRA का डिडक्शन ले सकते हो या फिर ATGG में रेंट जो आप भरते हो उसका डिडक्शंस ले सकते हो, दोनों में से एक ही क्लेम कर सकते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है। और एक अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि डोनेशंस के बारे में, जब भी हम डोनेशंस लेते हैं तो उसका जो एग्जम्पशन हम लेते हैं डिडक्शंस में तो वो 50% या कि 100% है। तो जो ये गवर्नमेंट नोटिफाइड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि PM केयर है, PM रिलीफ फंड है या फिर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, डिजास्टर रिलीफ फंड है कुछ, तो या फिर स्पेसिफिक नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है, उनको अगर हम डोनेशन देते हैं तभी वो 100% उसका एग्जम्पशन हमें मिलता है, बाकी सब इसके 50% ही मिलता है। तो बहुत सारे इसमें हमने मिस्टेक ऐसी देखी है कि भले 50% अलाउड है बट 100% का डिडक्शन हमने ले लिया, तो ये मिस्टेक हो सकती है। तो उसकी वजह से पॉइंट ये ध्यान में लेना है कि जो डिडक्शंस वगैरह है या एग्जम्पशंस वगैरह है वो लेते टाइम करेक्टली उसको फाइलिंग करना है दोस्तों। अगला है कि फाइलिंग ऑफ एडिशनल फॉर्म्स विद इनकम टैक्स रिटर्न। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यानी पता ही नहीं होता है कि खाली इनकम टैक्स रिटर्न भर के कुछ नहीं होता है, उसके साथ में वो उसका बेनिफिट क्लेम करने के लिए हमें एडिशनल फॉर्म्स भी भरना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप रेंट का डिडक्शन लेते हो तो उसके लिए एडिशनल फॉर्म भरना है, या फिर आप अगर फॉरेन का टैक्स क्रेडिट रिलीफ ले रहे हो इंडिया में, यानी अगर बाहर आपका कुछ इनकम है वहाँ पर टैक्स आपने भरा हुआ है और उसका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आप इंडिया में उसका रिलीफ ले रहे हो तो उसका भी एडिशनल फॉर्म 67 भरना पड़ सकता है, या फिर जो सैलरी के आइरियर्स वगैरह होते हैं 89 सेक्शन में, तो अगर उसका कुछ रिलीफ ले रहे हो आप
तो उसके लिए कोई भी फॉर्म 10E भरना पड़ता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न में जो हम एग्जम्पशंस या फिर डिडक्शंस क्लेम करते हैं उसके साथ में, यानी स्पेसिफिक इसके लिए है, सब लोगों के लिए एप्लीकेबल, मतलब सब इनकम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट ऐसे स्पेसिफिक कुछ अगर इनकम है तो उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न के साथ में एडिशनल फॉर्म्स भी हमें भरना पड़ता है दोस्तों, तो उसका हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसा भरते नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में से वो जो आपका क्लेम है डिडक्शंस का या एग्जम्पशंस का वो रिजेक्ट हो जाता है और हमें एक्स्ट्रा टैक्स और पेनल्टी भरनी पड़ सकती है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट है कि प्री वैलिडेशन ऑफ बैंक अकाउंट। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो उसके बाद में आपके प्रोफाइल सेक्शन में जाके बैंक अकाउंट का जो सेक्शन होता है इनकम टैक्स का जो आपका लॉगिन है, तो उसमें जो हमारे बैंक अकाउंट हमने दिया हुआ रहता है फॉर रिफंड, तो वो प्री वैलिडेट करना मत भूलिए दोस्तों। उससे क्या होता है कि जब भी आपका जो रिफंड है वो आसानी से आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के रिफंड इसी वजह से फेल हो जाते हैं या फिर इसी वजह से जल्दी आते नहीं है, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेट नहीं होता है। प्री वैलिडेट मतलब इनकम टैक्स का सिस्टम है जिस हिसाब से वो वैलिडेट करते हैं बैंकर के साथ में जो आपके बैंक डिटेल्स है और आपके जो डिटेल्स है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उस हिसाब से अगर वो वहाँ पे स्टेटस भी दिखता है, अगर आपका बैंक इनवैलिडेट है यानी आपका बैंक अगर वैलिडेट स्टेट में नहीं है तो आपको रिफंड आएगा नहीं। जो इनकम टैक्स की तरफ से रिफंड आता है वो खाली प्री वैलिडेटेड बैंक में ही आता है, तो इसका ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैंने रिटर्न भर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो प्रोसेस भी कर दिया, एक महीना हो गया, दो महीने हो गया, फिर भी रिफंड बैंक में नहीं आता है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेट नहीं हुआ है दोस्तों। और हमारा लास्ट आज का पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट अलग अलग डिस्क्लोजर्स, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में स्पेसिफिक बात करेंगे, बट एक पॉइंट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो या फिर आप किसी फर्म में डायरेक्टर हो या फिर आपके पास में कोई अनलिस्टेड शेयर्स यानी प्राइवेटली लिमिटेड कंपनीज के कुछ शेयर्स है, तो उस हिसाब से डिस्क्लोजर हमें देना है कि मैं कौन से कंपनी में मेरे शेयर्स है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट पे मैंने लिया हुआ है। उसके बाद में अगर आपके पास में फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, फॉरेन में कोई असेट्स है, तो उसका भी डिस्क्लोजर हमें इनकम टैक्स रिटर्न में देना है। तो इस सबसे और बहुत सारे डिस्क्लोजर और भी आ सकते हैं, तो ये जो बाकी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स है ये भी बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं दोस्तों। तो आई होप आज के वीडियो के हिसाब से आपको समझ में आया रहेगा कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम हो सकते हैं जिसका हमें ख्याल रखना है, तो जिस हिसाब से क्या होगा आपका इनकम टैक्स रिटर्न अच्छे से प्रोसेस भी हो जाएगा और रिफंड वगैरह है अगर आपको कुछ है तो वो इजीली आ सकता है दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अगर इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है या फिर अगर आप चाहते हो कि कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर या फिर स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम इनकम टैक्स रिटर्न की ये वीडियोज़ की सीरीज़ में आगे ले, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।